करीना स्टोर चैलेंज कीजिए ना। नहीं, आप कोरोना स्टोर चैलेंज करोगी ना? नहीं। Hello everyone, नमस्ते। Welcome back to my channel. So guys, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो फाइनली आ चुकी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फाइनली कवीना स्टोर चैलेंज। तो पिछले 4-5 महीने से आप बार बार कमेंट करते आ रहे हो कि दीदी हमें कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज चाहिए। सो मेरे प्यारे भक्त और भक्तियों, आप चिंता मत करिए, आपकी पू माते ने आपकी प्रार्थना सुन ली और फाइनली आज हम करने वाले हैं ब्लैक कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज। और बाय द वे, बहुत सारे लोग मोंगमोंग के बारे में पूछ रहे, तभी मैं आपको मेरा मोंगमोंग दिखाती हूँ। ये रहा मेरा कुत्ता। आपने कुत्ता किसको बोला? सो हर कन्वीनियंस स्टोर की परंपरा ये है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब गरीब डीएम्स पढ़ते हैं, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। So without any further ado, let's get started. So किसी ने अर्ज कराया, मैं तुम्हारी तरह पैसों का घमंड नहीं करती। पैसे होंगे तभी तो घमंड करोगी ना। एक लौंडे ने लिखा है, हेलो बेबी, तुम्हारे कितने भाई हैं? तुमको मिलाकर 3। किसी ने पूछा है, 2 + 2 = 6। बात करो। मतलब कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं मेरी तारीफ मेरे थोबड़े से करूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी ना। एक आंटी जी ने लिखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कोरिया में अकेले घूमते हुए? आंटी जी, मैं कोरिया में कपड़े पहन के घूमती हूँ बाहर, इसमें कौन सी शर्म, मैं नंगी थोड़ी घूमती हूँ। मतलब कि कुछ भी कि लिखने से पहले सोच लिया करो। किसी ने लिखा है, छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, एक बुढ़ी औरत हूँ। ये वाला मीम मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि टेक्निकली बच्ची छोटी होती है, तो छोटी बच्ची बोलने की क्या जरूरत है। ये वाला अजीब गरीब डीएम नहीं है, बहुत ही स्वीट है। किसी ने लिखा है, यू आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे ज्यादा सुंदर है। ये बोलना जरूरी था क्या? दिल तोड़ दिया मेरा। अबे दिल उस साइड में नहीं होता। आई एम सॉरी, मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है। एक बहुत ही महान पुरुष ने लिखा है, बहुत बकवास, ऐसे गंदे व्लॉग कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ, मैं प्राउड करके बोल रही हूँ कि मैं बनाती हूँ। गौर से देखिए इस वैशी दरिंदे को। जिशन सैफी टरट ने लिखा है, करके मेरे चैनल पर कमेंट मत किया कर। और आज का लास्ट कमेंट, तुम्हें काले कुत्ते की जगह सफेद कुत्ता ले लेना चाहिए था। अबे कुत्ता किसको बोला? बोला ना कि कुत्ते में नहीं जाना, वो बेटा है मेरा, बेटा मेरी जायदाद का इकलौता वारिस। इज्जत से मोंगमोंग जी बोलना, मोंगमोंग जी। क्योंकि ये ब्लैक कलर का कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम जवानों के अड्डे में चलते हैं और वहाँ से कुछ ब्लैक कलर के कपड़े या एक्सेसरीज खरीदते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्लैक कलर कपड़े खरीदने के लिए मजबूरी से क्या करें, मजबूरी से मुझे डाउन टाउन जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू डाउन टाउन गाइस। मोंगमोंग में जा रही हूँ। अबे तू जा रहे बस अच्छी में जाऊँ? अबे तू अभी तक नहीं गई। सो गाइस, जवानों के अड्डे में जाने के लिए हमें बस लेनी पड़ेगी, तो अभी हम बस लेते हैं। मेरी बस आ गई। So guys, अभी मैं डाउनटाउन में आ चुकी हूँ और मुझे एक मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी कपल दिखने लग गई। एनीवे गाइस, शॉपिंग करने से पहले मुझे बहुत भूख लग रही है और वहाँ पर रहे कुछ स्ट्रीट फूड स्टॉल, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ से हम कुछ यम्मी यम्मी खाते हैं। यहाँ से ये दोनों कितने क्यूट, इन्होंने कपल कोट्स पहन रखे हैं। इच्छा नहीं है? यार इतू से बच्चे कपल बन गए। इनकी उम्र में तो मैं फेविकोल हाथ पर लगा के सुखाती थी। ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? दिस वन इज सो यमी गाइस। गाइस आई एम डन। कोरिया में कचरे के डब्बे बिल्कुल भी नहीं होते, सो आई एम गोना थ्रो दिस ओवर हियर, जहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, सो पुट इट हियर। मुझे पता नहीं क्यों कोरिया में कचरे के डब्बे क्यों नहीं रखते, मतलब कि इतना कंफर्टेबल होता है। सो गाइस, अभी हम शॉपिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम H&M चेकआउट करते हैं। यार गेट तो खोल के चल जाता। यहाँ पर रही एक टकली लॉन्डी जिसने सनग्लासेस पहन रखे, वो भी बिल्डिंग के अंदर। मतलब कि बिल्डिंग के अंदर कौन सनग्लासेस पहनता? इस टकली लॉन्डिया का कोट है 79,000। यार इतने सारे कपल्स। ये रहा जंगली जानवर वाला कोट। इस जंगली जानवर के कोट के साथ आप ये वाली जंगली जानवर वाली शर्ट भी मैच कर सकते हैं। ये वाला कोट मैंने एक्चुअली H&M से लिया था, सो ये रहा यहाँ पर। प्लास्टिक वाली चप्पल इतनी महंगी क्यों है? गाइज ऐसी वाली माला तो इंडिया में भी मिलती है ना। गाइज यहाँ पर सारा सेल का सामान है, ऐसे सस्ते कपड़े हमको शोभा नहीं देते। ये रही ब्लैक कलर की स्वेटर, ब्लैक कलर की स्कर्ट, ब्लैक कलर की शर्ट। गाइज दिस वन लुक्स सो नाइस, मैं ये वाला ट्राई करती हूँ।
सो ये रहा एस साइज वाला कोट, इसने कौन सी वाली पैंट पहन रखी है, और ये रही पैंट्स। गाइज मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं इस लॉन्डा की तरह ये ब्लैक कलर की पैंट्स पहनूं या फिर ये जो स्कर्ट है ना ब्लैक कलर की ये वाली पहनूं, तो मैं ये वाली भी ट्राई करती हूँ। शर्ट के साथ हम ये वाली ब्लैक कलर की शर्ट भी ले लेते हैं। सो गाइज ये रहे मेरे सारे ब्लैक कलर के कपड़े और अभी हम इनको ट्राई करते हैं। इस लॉन्डे ने भी आज ब्लैक कलर की फैशन कर रखी है। ये रहा फिटिंग रूम और अभी हम अंदर जाके कपड़े ट्राई करते हैं। ब्लैक कलर की शर्ट और अभी हम ये पैंट्स ट्राई करते हैं। माय गॉड गाइस, मतलब कि ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट क्लोथ्स आई हैव एवर ट्राइड इन माय लाइफ। अभी H&M के लोग सोच रहे हैं कि ये कौन पागल लड़की आ गई हमारी स्टोर में और ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और सबसे अच्छी बात इस पैंट की ये है कि इस पैंट में मेरा जो पिछवाड़ा है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Haters will say it's fake। सूट कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि मुझे इसको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये जो स्कर्ट है ना वो भी हम ट्राई करते हैं। गाइज ये वाली जो स्कर्ट है ना ये काफी अच्छी है, लेकिन जो पैंट्स है ना वो और भी ज्यादा अच्छे है, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ पैंट से खरीदने वाली हूँ। सो गाइज मेरी ये काले कव्वे वाली फैशन कंप्लीट हो चुकी है और मैं ये सब खरीदने वाली हूँ। यहाँ पर रही कुछ ब्लैक कलर की रिंग्स। इस रिंग का और इन रिंग का सेम प्राइस है, तो मैं ये वाली लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी है। ब्लैक कलर की नेकलेस। गाइज मुझे ये नागिन वाले इयर रिंग्स मिले, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक रहा और मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे, सो आई एम गोना बाय दिस। गाइज शॉपिंग इज डन, अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। ओ माय गॉड गाइज, शॉपिंग करते करते यहाँ पे तो रात ही हो गई है, तो क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी है और डिनर का टाइम हो चुका है, तो मेरी ओन्नी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि वो मुझे पिकअप करने वाले हैं, तो अभी मैं मेरी ओन्नी का इंतजार कर रही हूँ। ये रही ओन्नी की गाड़ी। The next day. So guys, अभी मैं ready शेडी हो गई हूँ। ये रहा मेरा outfit और मैंने ये हील वाली सैंडल्स भी पहन रखी है। ये रही मेरे earrings, ये रही मेरी ring. Guys, इतने हाई फाई कपड़े पहन के कौन convenience store में खाना खाने जाता है, इन कपड़ों में मैं काफी रिच दिख रही हूँ। और guys, मैंने गलती से व्हाइट मास्क ले लिया, तो अभी हम फार्मेसी में जाते हैं और वहाँ से एक ब्लैक कलर का मास्क खरीदते हैं। गाइज ये वाली फार्मेसी तो बंद है। ये मेरे साथ नहीं पता फिर किसके साथ होगा। गाइज मुझे एक और फार्मेसी मिल गई, ये वाली खुली है, तो भी हम यहाँ पे जाते हैं और मास्क लेते हैं। ये रहा ब्लैक कलर का मास्क। अंकल जी ने बोला कि मैं यहाँ पर मेरा मास्क चेंज कर सकती हूँ। लेट्स गो गाइज। मोटरसाइकिल। सो गाइज अभी हमने ब्लैक कलर का मास्क भी ले लिया है, मोटरसाइकिल भी देख ली और अभी हम चलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। बाय द वे वो अंकल जी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, लगता है उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी अपनी जिंदगी में। गाइज ये रहा कन्वीनियंस स्टोर, नाइस टू सी यू, और अभी हम अंदर चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। छापड़ी भी ले लेते हैं। सो गाइज इस फ्रिज के अंदर ही कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सबसे ब्लैक वाली वो है पेप्सी, तो अभी हम पेप्सी लेते हैं। इसका जो ढक्कन है ना वो भी ब्लैक कलर का है। ये रही ब्लैक कलर की चप्पल। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये चप्पल ले लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को काम आएगी मेरे को मारने के लिए। सो गाइस यहाँ पर है बहुत सारे रामियन और मैं ये वाली खरीदने वाली हूँ क्योंकि उनके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक। ये रही ब्लैक कॉफी, तो हम ये वाली भी लेते हैं। गाइस ये रही चिप्स और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक, तो इसके अंदर ये ब्लैक कलर की चिप्स होनी चाहिए। आज मेरा लक बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे ब्लैक कलर में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये है ब्लैक कलर का सोप कपड़े धोने के लिए, लेकिन हम ये खा नहीं सकते तो इसको वापस रख देते हैं। बाय द वे गाइस ये वाला ब्रांड जोंगकुक का सबसे फेवरेट है, डाउनी। यहाँ पर रही कैंडीज, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ब्लैक कलर में नहीं है। आई एम गोना गेट दिस वन, दिस इज सो क्यूट। गाइस अभी हम यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। There is a dog outside. It's so cute. Guys, आज मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया क्योंकि मैंने ये ब्लैक कलर की लिपस्टिक खरीदी थी। ये रही
और मैंने सोचा कि क्योंकि ब्लैक चैलेंज है तो हम ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन गेस करिए ये लिपस्टिक नहीं है। बेसिकली अगर आपके बाल सफेद हो जाते ना तो ये वो बालों में लगाने वाली ब्लैक कलर की लिपस्टिक आती है, पता नहीं क्या है। क्या मैं इसको ट्राई करूं या ना करूं? अगर मैंने इसको लगाया और ये वापस नहीं मिटी तो मेरा क्या हाल होगा? मतलब कि ब्लैक कलर ही, तो इससे क्या होगा। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं इसको। पहले मेरी लिपस्टिक को उतारते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करना। गाइस मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज कमेंट में लिखना पू दीदी यू आर द बेस्ट दीदी इन द वर्ल्ड। अभी मैं सच में चुड़ैल लग रही हूँ। ये मजबूर है पर आप नहीं। गाइस अगर ये उतरी नहीं तो मैं जिंदगी भर ऐसे काले होठों के साथ घूमती रहूंगी। बिना रामेन के साथ हर कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज अधूरा होता है, तो सबसे पहले हम ये रामेन बनाते हैं ब्लैक। गाइस इवन तो इसके ऊपर ब्लैक लिखा हुआ है, अंदर इसके अंदर कुछ भी ब्लैक कलर का नहीं है, तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कोई बात नहीं, चलता है। अभी हम इसके अंदर गरम गरम पानी डालते हैं। तो गाइज अभी हम ये रामेन ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि ये ब्लैक कलर की नहीं है, लेकिन क्या करें, इसके ऊपर ब्लैक लिखा हुआ था। गुड गुड गुड, आई एम डन। सो बेसिकली ये है सीवीड, ये पेपर की तरह होता है लेकिन काफी सॉल्टी और क्रंची होता है, और इसके अंदर रहा राइस, चिकन एंड मायोनीज। This one is so good, guys. Guys, ये वाली है नीमू फ्लेवर पेप्सी। तो एक ठंडी पेप्सी हो जाए। क्या आपको पेप्सी ज्यादा पसंद है या कोका कोला ज्यादा पसंद है? प्लीज कमेंट में बताना। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है, पेप्सी या फिर कोका कोला? Cheers. Oops. अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी मैं कोई कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज कर पाऊँ बिना कुछ खाना गिराए हुए हुए। ये रही चिप्स। गाइस यहाँ पर ये ब्लैक कलर की चिप्स दे रखी है, और मैंने सोचा कि ब्लैक कलर की भी होगी, लेकिन इट्स ऑल येलो। हम मेरे साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा? बाय द वे गाइस, आज पहली बार मैं रात को कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी बाहर अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। अभी हम इसको वापस पैकिंग करके रख देते हैं। गाइस कॉफ़ी खोलना तो एक बहाना है, मैं तो आपको सिर्फ वो लौंडा दिखाना चाहती हूँ। मज़ा आ गया। सैडली ब्लैक कलर की जेल या कैंडी कुछ भी नहीं थी, मुझे सिर्फ ये वाली बॉल मिली है, और इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक है, तो कोई बात नहीं, चलता है। मेरा फिर से पोपट हो गया। मैंने सोचा कि ये ब्लैक और वाइट होगी, लेकिन ये सिर्फ वाइट है। आज से मेरा नाम पूनम दीदी नहीं, पोपट दीदी है। So yummy. ये अंदर से ब्लू कलर की है। वो गाइज ये रहा हमारा लास्ट आइटम, जो कि है ब्लैक कलर की च्युइंग गम। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक। हे भगवान प्लीज ये ब्लैक होनी चाहिए अंदर से। कुछ तो ब्लैक चीज मिली मुझे आज। इसका जो टेस्ट है ना वो है लेमन टेस्ट। मैं गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। I'm so sorry guys. वो साइड वाला लौंडा मुझे देखकर हंस रहा है। आज मेरी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन किस दिन मेरी बेइज्जती नहीं होती, मतलब कि अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने की। सो अभी हमारी पेट पूजा सारी हो चुकी है, और ये जो सारा कचरा है ना इसको भी सही करते हैं और फेंकते हैं। ये वाली मैं वापस घर पर लेके जाने वाली हूँ। उठाई के झाड़ू सफाई वाला। सो गाइज अभी मैं मेरे फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, तो उसकी वजह से मैं मेरी ये अजीब गरीब ब्लैक कलर की लिपस्टिक उतार रही हूँ। ये रही मेरी लिपस्टिक। एक्चुअली अभी यहाँ के सिर्फ 6:30 बजे, लेकिन बाहर फिर भी ऑलरेडी काफ़ी डार्क हो चुका है, और मुझे याद है कि इटली में 8:30 बजे तक 9 बजे तक काफ़ी ब्राइट रहता था। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है कि जो आज का चैलेंज था ना वो कम्प्लीटली 100% फेल हो चुका, लेकिन फिर भी मैंने मेरी पूरी कोशिश करी कि जो भी मुझे ब्लैक कलर की चीज़ मिले ना वो मैं खरीदूँ, लेकिन सैडली वो बाहर से ब्लैक थी लेकिन अंदर से ब्लैक नहीं थी। और एक्चुअली कम्प्लीटली 100% ब्लैक कलर की चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आई स्टिल होप कि आपको ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गरीब चैलेंज पसंद आया होगा, और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं ध्यान रखना, खुश रहना, प्रेम, बाय। बाय द वे वो जो साइड वाला लौंडा है ना उसने मेरा फ़ोन नंबर पूछा है, मतलब कि मैं इस ब्लैक लिपस्टिक के साथ इतनी डरावनी भी नहीं दिखती।